जीन को अभी तो हम लोगों ने पता ही कर लिया है कि जीन क्या है। जीन हमारा डीएनए का कोई सेगमेंट है, ठीक है। जीन को हम मान के चलते हैं क्या, जीन इज द सेगमेंट ऑफ एनी डीएनए। डीएनए का किसी भी एक सेक्शन, डीएनए का एक पार्ट, एक सेक्शन, दैट इज कॉल्ड द जीन, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एलील, एलील की तरफ चलते हैं। और इन तीनों के कैरेक्टर को अल्टरनेटिवली हम लोग कंपैरेटिव कंपैरिजन करके आगे बढ़े। इट इज टू और मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स के यानी कोई भी जीन हो सकते हैं, उनके दो या दो से अधिक फॉर्म हो सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई जीन क्या 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 कोड कर सकता है। मान लीजिए कोई जीन है जो हमारे आइज के कलर को, सपोज कर लीजिए कोई एक जीन है, मान लीजिए कोई भी जीन है, वो क्या कर रहा है, वो हमारे आई के कलर को, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई, आई के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई जीन है जो हमारा क्या कर रहा है, कलर ऑफ आई को जो है गवर्न कर रहा है। द जीन विच इज़ कंट्रोल, द कलर ऑफ आई विच इज़ कंट्रोल बाय अ जीन विच इज़ कॉल्ड बी ना। अब आई के कलर्स तो अगर आपने जनरली देखे होंगे, देयर विल बी ब्राउन आईज ऑल्सो एंड मैनी अदर कलर्स ऑल्सो। तो एक पार्ट होगा, एक पार्ट होगा जो हमारा डोमिनेंट होगा, वन पार्ट इज डोमिनेंट एंड अनदर पार्ट इज रिसेसिव। यानी एक ऐसा एलील होगा जो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा होगा। एक ही एक जीन दो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, यानी टू अलग अलग फॉर्म्स, टू अलग अलग टाइप ऑफ फॉर्म्स आर अवेलेबल, दैट इज कैपिटल बी एंड स्मॉल, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि जीन क्या है, जो हमारे जीन जो क्या है, वो कैरेक्टर को उसमें अंदर इनकोड करता है। और एलील्स क्या है, एक ही जीन के, एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स हैं। यानी एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है, या दो डोमिनेंट हो सकते हैं, एक रिसेसिव हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि टू के पेयर्स में हो, देयर विल बी थ्री ऑल्सो, देयर विल बी मोर देन थ्री ऑल्सो। ये भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे स्किन कलर है, एक से ज़्यादा एलील्स बनते हैं, एक से ज़्यादा जीन्स से वो गवर्न करा जाता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली आप मानने चाहिए कि जीन में क्या है, कैरेक्टर छुपा है, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि जीन एक बार फिर समझ लेते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि मान लीजिए ये जीन है, इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा कैरेक्टर प्रेजेंट है। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, हाइट हो सकती है, आपको कलर हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। अब ये कैरेक्टर हमारा, ऐसे तो नहीं है कि हाइट सिर्फ टॉल ही होती है, हाइट शॉर्ट भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है। तो ये कैरेक्टर कैसे डिफाइन होगा कि हाइट कैसी होनी चाहिए, दैट वॉज गवर्न बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स। द वन एलील विच इज़ शोइंग द डोमिनेंट कैरेक्टर, कोई एक एलील है जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, और कोई एक एलील है जो रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है। तो जीन क्या है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, वाइल्ड एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एलील क्या है, इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, कैन बी टू, दो से दो भी हो सकते हैं, दो तो होंगे ही होंगे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगा ही होगा, मे बी मोर देन टू, हो सकता है कि दो से ज़्यादा भी हो, ठीक है। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस सर्टेन टॉपिक। नाउ क्या है जीन, क्या है डीएनए का पार्ट, और एलील क्या है, हमारा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ट्रेट क्या है, देखो जीन आपको, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, एलील ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, बट ट्रेट इज़ जनरली अ फिनोटिपिक पार्ट। मतलब ये क्या है, ये सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशन, ये कहीं प्रेजेंट नहीं। ट्रेट यानी कह सकते हैं आप, अनदर टर्म्स में इसका नाम दे सकते हैं, ट्रेट इज़ अ कैरेक्टर। यानी मेरा ट्रेट क्या है, मान लीजिए इफ़ आई हैव एन ब्लू आईज, अगर मेरे आँखों मेरी आँखें ब्लू कलर की, तो ये मेरा ट्रेट है। बट दैट कैरेक्टर्स कम फ्रॉम वेयर, मतलब ये कैरेक्टर कहाँ से आया है, किसी जीन से आया होगा, वो जीन कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, मेरे मम्मी पापा से, या मेरे फादर से ट्रांसफ़र हुआ होगा, या मेरे मदर से ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो ट्रेट क्या है, जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, जो बाहर से दिखाई दे रहा है, दैट इज़ ओनली अ फिज़िकल एक्सप्रेशन। किसी भी कैरेक्टर का फिज़िकल एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, ट्रेट कहलाता है, दैट इज़ अ कैरेक्टर, ठीक है। इट इज़ द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द वेरिएशन ऑफ विन फीनोटाइप। यानी इसके जीनोटाइप से डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस हो सकते हैं। मान लीजिए कि कलर, मान लीजिए कि हाइट मेरी कैपिटल टी से डिनोट करी जा रही है,
कैपिटल टी, कैपिटल टी से डोनर, या मान लीजिए मेरी स्मॉल टी, स्मॉल टी होती तो क्या होता, तो मैं ड्वार्फ हो जाती। यानी इसके वेरिएशन से हमारे बाहर बाहर जो एक्सप्रेस हो रहा है कैरेक्टर वो भी वेरिएशन कर जाएगा। अगर एलियन वेरिएशन करेंगे तो जो एक्सप्रेस्ड हो रहा है बाहर कैरेक्टर वो भी वेरिएशन कर जाएगा। इट हैव अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन क्रोमोसोम, अभी मैंने बोला एलील के पास, एलील का भी एक्सप्रेशन होता है, यानी एलील का भी लोकेशन प्रेजेंट है। इवन जीन्स हैव लोकेशन ऑन क्रोमोसोम, ऑब्वियसली बात है, जीन है क्या, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो जीन के अंदर ही हम जीन में हमारा जीन जो है किस पर प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम पर। एलील कैरी इंफॉर्मेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रेड, एलील में वो सारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी ट्रेड को एक्सप्रेस करेगा, किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। इट इज़ जस्ट अ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर, सो इट डज नॉट हैव एनी लोकेशन ऑन क्रोमोसोम, ट्रेड का कोई लोकेशन नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, बाहर से देखने में पता चल रहा है। इट इज़ अ फिजिकल एक्सप्रेशन, जीन डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, जीन क्या करता है, क्या किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। आई होप सो आपको एलील, ट्रेड और जीन्स के बारे में प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। और अगर आप स्टिल इसके बारे में कन्फ्यूज हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में हम अपने इसको डायग्रामेटिकली पूरा डिनोट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप सो यू लाइक द वीडियो, सो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। Thank you.